ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में एक कलयुगी ससुर के द्वारा विधवा पुत्र वधु के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। अपने पिता समान ससुर के जाति का शिकार हुई युवती एक दो दिन बेहद मानसिक परेशानी में रही, फिर उसने हिम्मत कर मायके में जाकर अपने भाई और भाभी को घटना के बारे में बताया। इसके बाद मायके पक्ष के लोग पीड़ित महिला को लेकर पुरानी छावनी थाने पहुंचे और उन्होंने कलयुगी ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। कल पुरानी छावनी थाने पर एक फरियादिया आई थी। उसने थाने पर आकर शिकायत की कि पिछली इसी 6 तारीख को 6 अगस्त को उसके पति का इलाज के दौरान देहांत हो गया था। उसके ससुर ने 21-22 तारीख की दरमियानी रात उसको अकेला पाकर घर में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की। जब वह 23 तारीख को अपनी मायके गई, उसका भाई लेने आया। मायके में जाकर उसने भाभी भाई को यह सारी घटना बताई, फिर उनके साथ वो कल थाने आई थी। उसकी शिकायत पर से आरोपी के खिलाफ 376-506 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। फरियादिया की उम्र करीब 23 साल है, आरोपी की 45 साल उम्र है और घर पर वो उसकी सास और पति और ससुर रहते थे। क्योंकि पति का देहांत हो गया था तो वो अपने कमरे में अकेली थी, तो इसका फायदा उठाकर उसके ससुर ने उसके साथ काम किया। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।